पीछे डेवलपमेंट के लिए उसके लिए पैसा आया, काम भी किया गया और काम बहुत सा काम हुआ। मैं स्वयं गया था, मैं स्वयं देख के आया वहां पर। आप जाइए, मेरा सबसे अनुरोध है, अब जब शाम को जाएंगे आपको लगेगा आप किस तरह से वहां पर अब भी पंछी आते हैं, अब भी पंछी आते हैं और उसके लिए भी काम किया जा रहा है और पंछी कैसे आए उसके लिए भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा सर जो विधायक निधि आती है 4.5 साल हो गए, क्या हाल है उसका, कितनी विधायक निधि क्या अभी बची हुई है या अभी क्या मतलब उसका सूरत हाल क्या है? देखिए ये सब विधायकों की निधि है, कल विधायक सभी अपनी प्रेस करेंगे और सब अपनी विधायक अपनी उपलब्धि बताएंगे कि 4.5 साल में उन्होंने अपनी निधि को किस तरह से विस्तार में समाज सेवा में लगाया, क्योंकि निधि जो होती है ये जनता के लिए सेवा के लिए होती है, जनता की सेवा में लगाई। सांसद जी एक सवाल है, भ्रष्टाचार मुक्त की अभी आपने बात कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक सवाल मेरा यह है कि लगातार जैसे भारतीय जनता पार्टी संगठन को रोज थाने घेरने पड़ते हैं, कल भी एक ब्लॉक प्रमुख ने आपके ने पूरे दिन वहां थाना घेर रखा विजयगढ़, तो क्या मानते हैं कि जो आप कह रहे हैं उसमें और जो कल की घटना में क्या अंतर है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कोई परेशानी रही होगी, किसी को चला गया हो, थाना घेरने की कोई भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं, हमारा काम है संगठन एक साथ चलना। अगर कोई बात है तो विधायक से बताएं, मेरे संज्ञान में नहीं जो आप पूछ रहे, अगर ऐसा है तो जानकारी प्राप्त करें। जल्दी आपने बोला था तो बैंक कॉलोनी से आगे बापू नगर आता है वहां पे लाइन पड़ गई, रास्ता कभी पानी नहीं गया। नहीं लाइन पड़ रही है, धीरे 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 सिस्टम चालू किया जा रहा है, क्योंकि अभी काम चल रहा है, स्मार्ट सिटी में काम चल रहा है, दूसरा भी काम चल रहा है, तो उसको टाइम लगेगा। 3 साल पहले वहां पे जब लाइन पड़ी थी उस समय पानी आया था, 3 साल से वहां पानी नहीं है, उसे चेक करा, मेयर वो पर्सनल है उसे चेक करा। और कोई बात हो तो आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, खासकर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है ही नहीं, प्रधानमंत्री आए थे, अगर उनको अगर पैथोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ जाती या मान लीजिए हड्डी के रोग की जरूरत पड़ जाती तो आपके पास एक डॉक्टर नहीं, हड्डी रोग के डॉक्टर है हमारे, नहीं आपके सरकारी में एक भी नियमित नहीं है। अभी पीपी मॉडल पर प्रधानमंत्री का इलाज कराएंगे, पीपी मॉडल पर, मेरी बात सुनो, पीपी मॉडल पर हमने डॉक्टरों का ले रखा है, अगर डॉक्टर अवेलेबल है उसके बाद भी ये कर रखा है कि जैसे खास करिए कि सरकारी में हमारे डॉक्टरों की कमी है, ये तो मैं मानता हूँ स्वयं, इसलिए मेडिकल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं उसी के लिए, नहीं तो आज ये समाजवादी खोल देती तो आज हमें जरूरत नहीं पड़ती। जिला मल्खान सिंह हॉस्पिटल में 24 घंटे ईसीजी की व्यवस्था नहीं है, कोई पेशेंट अगर बीमार मल्खान सिंह में दीनदयाल में दोनों हमारे हॉस्पिटल, देखिए कल ही हमने उनका ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है, जहां पर 10 बेड नहीं हुए थे कोरोना के टाइम में, 385 बेड दीनदयाल में हमारे विधायक अनिल पारसर जी द्वारा प्रयास से दिए गए, उनपे इलाज हुए और लोग ठीक हो गए। लेकिन सांसद जी पहले की अवस्था में मानते हैं कि व्यवस्था सही हुई है, लेकिन मलखान सिंह एक रेफर सेंटर बन गया है, कोई जाता है उसको मेडिकल, ऐसा नहीं है, उनका इलाज होता है, खास करिए कुछ बीमारी अधिक है तो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, तो हम चाहते हैं मरीज कैसे जल्दी सही हो, अगर वहां इलाज लग रहा है कि भाई इसकी गंभीर बीमारी है तो उसको तो रेफर किया ही जाए। वो 25 मिनट बिगड़ जाते हैं ना इधर से जाने नहीं, में नहीं, नहीं, अगर मलखान सिंह में अगर मलखान पड़ रही है तो वो मलखान सिंह कहां जाएगा? आप देखिए मेडिकल में मलखान सिंह ईसीजी है नहीं, मलखान सिंह में आप जाइए, चलिए आप मिलेगा ईसीजी, मैं खुद लेके गया थी सब नहीं है ना, हम ईसीजी का अगर व्यवस्था कर जय माता।